नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चंपतपुर में नाला जलमग्न की जमीन पर बना दी पौधशाला। पौधशाला बनाने के लिए काटे नीम के हरे पेड़, ग्रामीणों ने लगाए वन विभाग पर गंभीर आरोप। ग्रामीणों ने डीएम को दिया प्रार्थना पत्र, डीएम ने दिया है उचित कार्यवाही का आश्वासन। कानपुर नगर के थाना चौबेपुर अंतर्गत ग्राम चंपतपुर में नाला जलमग्न की जमीन पर वन विभाग की तानाशाही देखने को नजर आ रही है। वन विभाग द्वारा नाला जलमग्न की जमीन पर अवैध रूप से पाठशाला खोल दी गई है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान से भी किसी प्रकार की स्वीकृति भी नहीं ली गई है। वन विभाग की तानाशाही को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी जमीन के पास नाला जलमग्न की जमीन है, जिस पर वन विभाग द्वारा पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत वन विभाग से की तो उन्होंने बताया कि आपको जहां कार्यवाही करनी है करें, वन विभाग की अवैध पौधशाला यहीं पर चलेगी। चंपतपुर ग्राम के ग्रामीणों ने बताया जिलाधिकारी को शिकायत की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि इसकी जांच कर अवैध रूप से चल रही पौधशाला जल्द ही बंद कराई जाएगी। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम चंपतपुर में। अच्छा अच्छा, क्या मामला हो गया? मामला ये सर है कि हम जिलाधिकारी को हमने पत्र को दिया था और देने के बाद में 23 तारीख को दिया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमारे ग्राम की जो डाटा संख्या 1198 है, वो जलमग्न के नाला के भूमि में दर्ज है, बरसाती नाला के नाम पे दर्ज है। और इसके बाद हमने उनसे कहा, जबरदस्ती ये लोग पौधशाला लगा रहे हैं। पौधशाला लगाने के बाद में हमने उनसे कहा कि ये यहाँ से हटाओ। हटाने के बाद में हटाने के लिए तो कह नहीं रहे थी? और वहाँ पेड़ खड़े थे, बहुत सारे पेड़। किसके थे? पेड़ मेरे थे। हाँ, बउआ के पेड़ थे। पेड़ों के कटवा के रातों रात ले गए और पेड़ों को कटवा के ले गए और काट, जब वहाँ 100 नंबर डायल हुआ, 112 नंबर डायल हुआ, तो उसके बाद ये काटना बंद कर दिए, इन भाग गए। और कटवाने में यहाँ ये अमित दरोगा, लक्ष्मीकांत दुबे और हिमांशु दरोगा सिराजपुर और ये शिवम दीक्षित, ये लोग पेड़ कटवाने में यहाँ वो आदेश दिए। मेरे गांव का एक ठेकेदार तो छोटे लाल, और उठा यहाँ उसे पेड़ कटवाए और ये उससे मजदूरी पे, हाँ, कटवाए मजदूरी पे पेड़ कटवाए। अच्छा, उस पर मुकदमा भी लगा दिया। अच्छा, हाँ, ये मुकदमा किसने लगाया? वन विभाग वालों ने लगाया, लक्ष्मीकांत दुबे ने लगवाए है, उसको बंद करवाने के लिए। और 4000 रुपये, हाँ, 4000 रुपये जुर्माना हुआ। बाकी हमारे प्रधान जी का भी कोई आदेश नहीं है, ना कोई आदेश है और ना गांव का कोई पछताव है। और जबरदस्ती पौधशाला लगा रहे हैं। ये जो पौधशाला खुली है, किस जमीन पे खुली है? 1198 पे खुली है। अच्छा, ये किसकी जमीन आती है? कागजों में क्या दर्शाती है? ये बरसाती नाला में दर्ज है। अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ पे वन विभाग ने पौधशाला खोल रखी है। हाँ, पौधशाला खोल रखी है। और ये जब कभी भविष्य में बारिश होगी तो ये यहाँ पे जल भराव होएगा खेतों में, तो सब किसानों को जनहित के लिए फसलों की नष्ट होगी, फसलें नष्ट होंगी और निकलने की दिक्कत होएगी। प्रशासन को अपना प्रार्थना पत्र दिया था, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिलाधिकारी महोदय जी को हमने एक पत्र 23 तारीख को दिया है, अवगत करा दिया है। और वन विभाग के अधिकारियों से कुछ बात हुई आपकी? क्या बात करते हैं वो? बात यह करते हैं कि अगर तुम आगे पीछे दिखाओ, दिखाई दोगे तुम्हारे पे मुकदमा लगेंगे। हाँ, गाड़ी जीती नहीं। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना चाहते हैं यहाँ से ये हटाई जाए पौधशाला, पूरा गाँव समर्थन माने। हाँ, जितना जन आदमी है सब जने जनहित में सब लोग हटाना चाहिए। हाँ, सबकी जमीन नया कार होना चाहिए।